मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। ईरान के हमले की आशंका के चलते इसराइल और अमेरिका भी अलर्ट है, लेकिन यह हमला कब होगा इसे लेके महज कयास ही लगाए जा रहे हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुकर की हत्या के बाद से ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर इसराइल पर अटैक की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार उसे मनाने की कोशिशों में जुटे हैं कि ईरान को ऐसा करने से रोका जा सके। इन सब के बीच ईरान अब तक भले ही खामोश हो, लेकिन उसके प्रॉक्सी गुटों ने इसराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 31 जुलाई के बाद से हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। खास बात यह है कि ईरान समर्थित ये संगठन इसराइल की मिलिट्री साइट्स को निशाना बना रहा है। अल जजीरा ने इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया है कि सुबह हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले मिरोन शहर पर दर्जनों रॉकेट दागे। वहीं देर रात इसने इसराइल के माउंट नेरिया बेस को निशाना बनाया, जो इसराइल के गोलानी ब्रिगेड बलों के बटालियन का मुख्यालय है। इसके बाद हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के मेरोन बेस पर भी 20 से अधिक रॉकेट दागे। दरअसल बीते कुछ दिनों से हिजबुल्ला लगातार इसराइल के सैन्य अड्डे को निशाना बना रहा है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर करीब 30 रॉकेट दागे थे। इससे पहले हिजबुल्ला ने 24 घंटे के अंदर इसराइल पर 10 हमले किए। इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने इसराइल को मट्टक में एक सैन्य चौकी को टारगेट पर सीधा निशाना बनाने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि इन हमलों में इसराइल के सबसे बड़े और मजबूत सुरक्षा कवच आयरन डोम को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस बीच हमास ने भी इसराइल को घेरना शुरू कर दिया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने मई के बाद पहली बार तेल अवीव पर सीधा अटैक किया है। हमास ने गाजा की ओर से इसराइल पर M90 मिसाइलों से अटैक किया है। इसे लेकर इसराइली सेना ने दावा किया है कि रॉकेट तेल अवीव के पास समुद्री क्षेत्र में गिरा है। हिजबुल्ला और हमास के इन हमलों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इसराइल को घेरने की रणनीति का हिस्सा है? क्या ईरान के हमले से पहले उसके प्रॉक्सी इसराइल को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर ये सब इसराइली सेना का ध्यान ईरान की ओर से भटकाने की कोशिश है? बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।